मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्योमा। कल रात हम न्योमा आ गए थे जस्ट बिकॉज कि भाई की बाइक में भी थोड़ी परेशानी थी और भाई ने थोड़ा सा टेंशन ज्यादा ले ली थी। यार आपके व्हीकल के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑफ कोर्स यार टेंशन हो ही जाती है। कल मैंने अपना रूफटॉप टेंट खोला था इस जगह पे, कितना ब्यूटीफुल व्यू है देखिए। इस एरिया में स्नो लेपर्ड भी है, कल मैंने बोर्ड देखा था स्नो लेपर्ड का। देखिए मेरी गाड़ी की पूरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है, इसको भी मैं टेंट को पैक करूंगा एंड वहाँ पेट्रोल पंप है सबसे पहले और डीजल डलवाने जाऊंगा। देखिए अभी टेंट पैक करने का टाइम आ गया है। इस भाई ने बाइक क्यों गिरा रखी है, कई लोगों के सवाल आएंगे। बता दूं इसका नीचे से चैम्बर लीक हो गया है तो इस पे हमने एमसील लगा के जुगाड़ किया है। एंड ये भाई भी अपने साथ आ जाती है जहाँ तक मुझे लगता है, कल से इनकी भी सफर अलग हो जाएगा। न्योमा में हूँ मैं अभी और यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। गाइस हमारा आज का ब्रेकफास्ट परांठे विद दही एंड मैं हूँ अभी न्योमा में और यहाँ से भी निकलेंगे आगे। भाई तेरी बाइक ठीक होगी? सोमोरेरी लेक के लिए, यहाँ से रोड थोड़ी ठीक मिली है एंड नेटवर्क भी आ गया न्योमा के बाद में एंड सोमोरेरी तक देखते हैं पता नहीं नेटवर्क रहेगा या नहीं। और ये रोड आगे लेक को जा रही है और मेरा प्लान है आज सोमोरेरी, उसके बाद पुगा वैली, उसके बाद शोकर लेक और उसके बाद पांग सारचू होते हुए नीचे जाना। ये है सोमोरेरी का रास्ता यहाँ से और यहाँ चेक पोस्ट भी बना हुआ है, ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, अब यहाँ से निकलेंगे। सोमोरेरी का रास्ता भी कम नहीं है, बहुत खतरनाक रास्ता है। जब आए हो ना तो जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अभी हमारा ग्रुप है लेकिन ठीक है, सब अच्छे से मैनेज होके चल रहे हैं सब। आज आ जाए, कल के बाद में अकेला हो जाऊंगा। एंड आज सोमोरेरी और पुगा वैली दो तो हमारे मेन टारगेट है। ये है पुगा वैली जहाँ लोग बहुत ज्यादा कैंपिंग कर रहे हैं एंड लद्दाखी लोग भी बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये। इस टाइम ना पानी नहीं था यार यहाँ पे इतना जो होना चाहिए था। पेंगोंग लेक गए थे ना उस दौरान, रस्ते में आई थी ना जो, वहाँ पे ज्यादा था। तो अभी मेरी नेक्स्ट लोकेशन है सोमोरेरी, तो सोमोरेरी के लिए हम बढ़ चुके हैं आगे। पुगा वैली जस्ट क्रॉस करके आए हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ सोमोरेरी के लिए और मेरी गाड़ी ने रीजनरेशन मांग लिया। डीपीएफ इज क्लॉग्ड, एरर आता है जब गाड़ी में कार्बन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तब ये एक एरर आता है। तो उसके बाद में आपको रीजन करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिकली एक फंक्शन दिया जाता है तो इस पे आप बटन प्रेस करते हो तो रीजन शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी 2500 प्लस आरपीएम पे चलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। 2500 प्लस आरपीएम पे चल रही है अभी। एंड ये जो ब्रिज है ना, ये क्रॉस करके ये रास्ता आगे सोमोरेरी की तरफ जाता है। ये देखिए कितने सारे याक है। हेलो जूले, जूले कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? ये तुम्हारे हैं सारे? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कर्मा। हैं? कर्मा। कर्मा, बहुत अच्छा नाम है यार। तो ये कितने याक लेके घूम रहे हो तुम अभी? 20। एंड वो डॉग कितने हैं तुम्हारे पास में? दो। दो? अकेले घुमा लेते हो इनको? कहाँ रहते हो तुम? नीचे। नीचे क्या नाम जगह का? सुमदो में है। अच्छा, और आगे सोमोरेरी है, कभी देखी है तुमने सोमोरेरी? देखी है। अच्छा, तो ये दूध भी देते हैं? दूध देते हैं ये। अच्छा, और इस नदी का क्या नाम है? पता नहीं, कभी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ। ओह ग्रेट। मेरे जैसे लोग कैसे लगते हैं जो बाहर से आते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरी तरफ से चॉकलेट खाओ। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय कर्मा, बाय। रास्ता देखो सोमोरेरी का किस तरीके का आ गया, ऑफ रोड और ये माउंटेन्स देखो, इट्स लाइक हेवन। हमने लद्दाख में बहुत टाइप के माउंटेन्स देखे हैं और ये तो थोड़े अलग ही हैं। और यहाँ जाके आगे सोमोरेरी लेक हमें देखने को मिलेगी।
ये होते हैं शॉर्टकट जो मैंने अभी लिया है, मतलब मेरे को बहुत लंबा टर्न नहीं लेना पड़ेगा इसके बाद में। रोड बिल्कुल नया बना है, देखो सोमरेरी का कितना अच्छा रोड है। This road is like road to heaven. Wow! इधर देखो snow mountain and ये देखिए सामने क्या beautiful नजारा है यार। ऐसे नजारे हमें मिलते हैं पांग के बाद में। पांग से जब आप तांगलांगला जाते हो ना तब ऐसे नजारे आते हैं। और अभी हम जा रहे हैं सोमरेरी, और सोमरेरी जा रहे हैं तो रास्ते में ये वाले व्यू पॉइंट आ रहे हैं और स्नो माउंटेन्स भी। मैं पिछले 15 दिन से लगातार ऑफ रोड कर रहा हूँ। मेन रोड से गाड़ी उतार दी है बिल्कुल नीचे, और कच्चे में थार का यही तो सुख है, कहीं पटक लो। लेफ्ट साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सोमरेरी लेक का नजारा, और एक तरफ इतनी ब्यूटीफुल रोड आ गई है और एक तरफ पहाड़। वाव गाइज, अभी थार की कंडीशन देखो, ये जो डस्ट है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा, वो गाड़ी फंस गई देखो वहाँ पे उस डस्ट में। तो यहाँ ये वाले डस्ट से मैं होते हुए आया हूँ, बहुत गंदा यहाँ पे। एंड ये सामने है ब्यूटीफुल सोमरेरी लेक। गाइज कंडीशन देखो थार की, भाई मिट्टी चढ़ गए बुरी तरीके से। ये देखो स्मॉल डस्ट, एंड ये देखो बहुत ज्यादा मिट्टी थी यार यहाँ पे। सामने है ब्यूटीफुल सोमरेरी लेक। Look at this guys, ये अपना मॉन्स्टर और ये ब्यूटीफुल सोमरेरी लेक। कुछ लोग मिल गए थे उनसे दो बातें की। ये देखिए सोमरेरी विलेज है एग्जैक्टली, और यहाँ आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े पुराने घर भी। और ये देखो बच्चे कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, ये देखो बहुत ब्यूटीफुल। हाय, can I ask you if I'm looking for a ride to go to Leh? Oh, I'm not going to Leh, I'm going to Shokan. And Puga Valley, yeah. Is it on the way to Leh? Yeah. You're leaving today or? I'm leaving now. Now? Yeah. Can I have a... Would you mind taking me in case? Okay. एक फॉरनर थी, she said कि आप अगर ले जा रहे हो तो प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, कि मैं ले तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पुगा तक ही लिफ्ट दे पाऊंगा, उससे आगे नहीं। सो ऐसे भी लेट हो गया है, तो मैंने उनको बोला कि आप अभी ट्राई मत करो, आज आज और स्टे करो यहाँ पे, एंड कल आप ट्राई करो ले जाने के लिए। जिम्मेवारी हो जाती है लड़की को लेके जाना, मैं नहीं ले सकता। देखिए रोड का काम चल रहा है, एंड इस तरफ रिवर व्यू इतना बढ़िया, और साइड से निकलना पड़ेगा हमें, और पहुंचते हैं हमारी मंजिल की तरफ। एंड रोड बहुत गर्म हो गया, ताजा ताजा लुक डाल रहे हैं, तो ये कई बार क्या होता है गाड़ी में लग जाता है यार नीचे की साइड में। मैं इससे पहले सोमरेरी जाके आ चुका हूँ, और टाइम करीब 6 बज गए हैं, एंड सनसेट होने वाला है। मेरी कोशिश है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शोकर लेक है, तो वहां तक पहुंचू, एंड आज कोशिश करते हैं डेबरिंग तक पहुंचने की। मतलब आप इधर से होके भी ले जा सकते हो, ऑल हैव हिमालयन एंड सारे रॉन्ग साइड चल रहे हैं। यार कुछ लोगों की गाइड ड्राइविंग का पूछो मत यार, मतलब बाइक यार पहाड़ों में लेके आ जाते हैं बट चलती नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आई एम ऑल्सो बाइकर, ठीक है, मैं भी बाइकर हूँ, लेकिन इस तरफ चलाने का क्या मतलब है यार, इधर जगह बहुत पड़ी है यार, थोड़ा सा देख के चलो, संभल के चलो। मैं हूं अभी शोकर लेक के पास में, पहले आपको लेक दिखा देता हूं। इस ब्यूटीफुल सी माउंटेन रेंज के पीछे बीच ये है शोकर लेक, और वो आगे चल के वहां है शोकर विलेज, एंड वो मेरी थार खड़ी है। मैं काफी नीचे लाया हूँ, रोड वो देखो, वो गाड़ी खड़ी है वहां है रोड, और ज्यादा रिवर के क्लोज जाके भी क्या करना है,
दलदल में फंस जाती है कई बार गाड़ियां। लेक का नजारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ देखो बादल ही बादल, कितने जबरदस्त लग रहे हैं। और ये स्नो माउंटेन्स, और इधर सूरज देवता भैया अपने प्रकोप ढा रहे हैं। और ये देखिए जी, हमारे वाला स्नो किधर घूम रहा है। ओए स्नो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुस्सा तो नहीं करता? ऐसे इसका नाम क्या, लेला? लेला, ओके, बेला बेला, ओके ओके ओके, सही है। तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार, मेरे को ना हॉट स्प्रिंग वाटर सुना था कहीं पे, बट वो मिला नहीं यार यहाँ पे। सो अभी हम गाड़ी यहीं रोक के एंड इस कैंप लगा हुआ यहाँ पे, यहाँ से चाय पियेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे जूले। एंड वो उस तरफ सारी शोकर शोकर लेक है। मैं पहुंच चुका हूँ टैपरिंग में, और यहाँ से थोड़ी सी दूर बाद तांगलांगला पास भी आ जाता है, लेकिन हमें तांगलांगला पास नहीं जाना है, हमें तो यहीं कहीं स्टे का कुछ ऑप्शन बनाना पड़ेगा। टैपरिंग में हमने एक स्टे ले लिया है, एक छोटा सा कैंप ले लिया। ठीक है यार, थोड़ा कोजी कोजी लगा, हमें हमारे टेंट नहीं खोलने हैं, उनके ब्लैंकेट वगैरह सब चीजें हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है। सो आज का स्टे टैपरिंग में करते हैं।